हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए किसी नाश्ते की रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि लेकर आई हूँ हरे मिर्च का अचार, जिसे आप मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं और ये सालों तक खराब नहीं होंगे। ना तो इसमें हमें इसे धूप दिखाने की ज़रूरत है, ना ही दिनों तक इंतज़ार करने की। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिए है हरी मिर्च, जिसका कि हमने डंठल निकाल लिया है और इसे पानी से धुल लिया है। तो पानी से धुलने के बाद हम किसी सूखे कपड़े से इसे पोंछ लेंगे, ताकि जो पानी है मिर्च का वो निकल जाए। तो हमें इसे अलग से सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम मेहनत है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मिर्च से सारा पानी सुखा लिया है। तो अब इसे हम काट लेते हैं। तो बीच से इसमें कट लगाना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फटे नहीं। तो किसी चाकू की सहायता से हम मिर्च में बीच से कट लगाएंगे, जैसे हम कलौजी बनाने के लिए कट लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो फ्रेंड्स आप मोटी वाली भी हरी मिर्च ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने पतली वाली लंबी वाली मिर्च ली है। तो जो भी मिर्च आपके पास हो, चाहे छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली हो, वो ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें सारे मिर्च में कट लगाना है, ताकि जब हम मसाले ऐड करें तो इसमें आसानी से सारे मसाले मिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से सारे मिर्च में कट लगा करके तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से सारे मिर्च हमने कट कर लिए हैं। तो अब चलिए इसके लिए थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, 2 चम्मच ही डालेंगे, और बहुत ज़्यादा मसालों की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में 1 चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पे पंचफोरन, जो कि हमें किराने की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो एकदम लो फ्लेम पे हमें इन्हें करना है रोस्ट। तो अगर आप पंचफोरन नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप अलग से इसमें जीरा, सौंफ और मंगरैल और राई के जो दाने होते हैं, वो छोटे चम्मच से 1-1 चम्मच डाल सकते हैं, या फिर किराने पे ये आसानी से बने हुए भी मिल जाते हैं, तो आप उन्हें ही खरीदें। तो इन्हें लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक कि इनका कलर ना चेंज जाए हो जाए और इसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे। तो देखिए इस तरीके से धनिया और पंचफोरन का जो है कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा करके इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो एकदम बारीक सा पाउडर बनाना है। तो अब फ्रेंड्स सेम पैन में हम डालेंगे सरसों ऑयल, पैन अभी गर्म है तो इसी में डाल देते हैं, ताकि जो तेल है वो जल्दी गर्म हो। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के लगभग डाला है सरसों का तेल, और मिर्च फ्रेंड्स हमने लिया है 250 से 300 ग्राम। तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें मिर्च को फ्राई करना है। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, हमें मस्टर्ड ऑयल में ही मिर्च को बनाना है, इससे मिर्च हमारा जो है वो ख़राब नहीं होता है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो जो हमने मिर्च में कट लगा के रखे थे उसको तलेंगे। तो तेल में इसे छोड़ देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे, ताकि जो मिर्च है वो अच्छे से फ्राई भी हो और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो जो मिर्च है वो कड़ा हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, अगर ज़रूरत हो तो बीच बीच में फ्लेम हाई कर सकते हैं। और चलाते हुए इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-2, 3-3 मिनट पे हम मिर्च को चलाते रहेंगे, ताकि ऊपर नीचे अच्छे से ये फ्राई हो और सॉफ्ट होता रहे। तो देखिए इस तरीके से मिर्च हमारा सॉफ्ट होता रहेगा। और यहाँ पे 10 मिनट में लगभग हमारा जो मिर्च है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कंडीशन हमको मिर्च की चाहिए, अच्छे से तला हुआ। तो
अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे डालूँगी नमक। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे जिससे कि हमारा जो मिर्च का अचार है वो ख़राब भी नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जितना स्वाद हो उसे थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि जो मिर्च का अचार है वो ख़राब ना हो। और नमक को इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि मिर्च जो है थोड़ा से और सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने पाउडर बना के रखा था धनिया और फोरन का, उसे ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच हम पाउडर जो बना के तैयार किए थे उसे डाल देंगे। और अगर आप ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं तो सारा जो है मसाला डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा बचा सकते हैं और जो कलौजी बनाए किसी बैंगन का या किसी भी चीज़ का तो उसमें यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में फ्रेंड्स 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च, तो तीखी मिर्च जो है वो ऑलरेडी तीखी होती है, तो यहाँ पे मैं बस 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और साथ में हल्दी पाउडर, और सारी चीज़ों को फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स करना है। और गैस का फ्लेम इस टाइम हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो मिर्च के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो और जो मिर्च है वो मसालों को सोखे और बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब भी आपको भूख लगे, सब्जी नहीं भी होगी तो भी आप इसे दाल चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्पाइसी लगता है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मेहनत लगता है। और लास्ट में फ्रेंड्स हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे कि ये अचार का फ्लेवर देता है और बहुत ही चटपटा सा बनता है। और आमचूर पाउडर डालने के बाद भी इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो तैयार हो गया है हमारे हरे मिर्च का अचार, जो कि मिनटों में बन के तैयार होता है, ना ही हमें इसे अलग से धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हल्का सी इसे मैसी कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए कलछी से ही। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लाजवाब। जब भी आप खाने बैठिए 1 मिर्च लीजिए साथ में, खाने का स्वाद 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो तैयार हो गया है हमारे हरे मिर्च का अचार। तो फ्रेंड्स तैयार है हरे मिर्च का अचार, जो मिनटों में बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हरी मिर्च का अचार कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।